आज ब्रिक्स इंटरनेशनल काउंसिल अवार्ड्स समारंभ में आने का मौका मिला। नरेंद्र भाई मोदी की सरकार ने एमएसएमई के लिए कई कदम उठाए, उसमें सबसे पहला तो उसका बजट डबल कर दिया है और जो छोटा उद्यमी को 1 करोड़ तक की कॉलेटरल मिलती थी उसकी जगह पर अभी 2 करोड़ तक की लोन मिलेगी और उसका कॉर्पस फंड जो 2500 करोड़ था उसको 3 गुना बढ़ा के 7500 करोड़ कर दिया है और जो 50 करोड़ तक का टर्नओवर करता है उसको आज तक 30% टैक्स लगता था इनकम टैक्स, अभी 50 करोड़ तक का है वो 25% 5% का सीधा फायदा होगा। इसलिए जो टैक्स में अभी जितनी इंटरेस्ट है उसमें से 96% इंटरेस्ट एमएसएमई आती है तो करोड़ों लोगों को इसका इनकम टैक्स का फायदा मिलेगा। दूसरा प्रिजम्पटिव टैक्स जो डाला है 2 करोड़ तक का, उसमें 8% प्रिजम्पशन किया है, लेकिन अगर वो डिजिटल से करता है तो उसको 2% का उसमें भी फायदा मिलेगा। तीसरा जो महिलाओं की बात आपने जो बताई, तो लुधियाना में प्रधानमंत्री ने एक स्कीम लॉन्च किया एसटी अब, और उसमें महिलाओं की शामिल करने की बात प्रधानमंत्री ने बताई है, उसके लिए 500 करोड़ रुपीज का फंड भी डाला है और एक एसटी एक एसटी और एक महिला पूरे भारत में करीबन 250,000 ब्रांचेस है, सभी ब्रांचेस को हमने निर्देश दिए है कि आप एक महिला को एक आदिवासी एसटी को और एक एससी को उद्यमकार बनाओ, तो मेरे ख्याल से 7,50,000 लोगों को हर साल फायदा मिलेगा। सब्सिडी स्कीम जेड स्कीम है, जो जेड स्कीम लाया है वो तुम्हारी क्वालिटी के ऊपर, जीरो इफेक्ट जीरो डिफेक्ट, पर्यावरण को नुकसान न हो और क्वालिटी अच्छा रहे, अपना जो कंपटीशन है वर्ल्ड लेवल में उसमें अपनी क्वालिटी अच्छा बने, उसके लिए 500 करोड़ रुपीज एमएसएमई को दिया है तो अपना स्टैंडर्ड माल बनेगा, उसका सर्टिफिकेशन भी हम करेंगे और सर्टिफिकेशन के कारण एक्सपोर्ट का बढ़ावा होगा। तीसरा बात के एमएसएमई को प्रधानमंत्री ने सबसे पहला नंबर पर रखा है क्योंकि सबसे ज़्यादा रोजगारी कोई देता है तो एमएसएमई सेक्टर देता है और आज अपना उद्योगकार है जो मंगलयान है तेजस एयरक्राफ्ट है उसमें जो स्पेयर पार्ट बनते हैं वो भी एमएसएमई में बनते हैं और मेरे ख्याल से डिफेंस में जो इन्वेस्टमेंट आने वाला है उसमें जो अब हम लोग मेकिंग इंडिया की तरह से हमारा एमएसएमई जुड़ जाए तो मैं समझता हूँ कि एमएसएमई एक बड़ा रोल भारत की जीडीपी में रोजगारी में अदा कर सकता है।